शराब बहुत तगड़ा माहौल है कांग्रेस का, कांग्रेस का किसानों के लिए कांग्रेस काम कर रही है और जवानों के लिए बीजेपी अग्निवीर लाके अपने फौजी हमदे रद्द करना चाहती है। रतन चौधरी है ये भारी मतों से निकलेगी, नहीं इनका कोई वजूद नहीं है, जवान जब्त होगी कांग्रेस के क्यों सर के अंदर। रतन चौधरी पढ़ी लिखी है और आज वो आज तक डॉक्टर आई थी तो वो भी गरीबों की सेवा की थी। लाख पार करने वाली लगती है रतन चौधरी, लाख वोटों से बार बार लेगी। मिर्दा जी है वो भी लगातार चार बार एमएलए रहे फिर वो चले गए, क्यों खिसकते हैं कांग्रेस से, लोग खिसक क्यों रहे क्या पता वो आगे की राजनीति। चौखा रतन चौधरी जी प्रत्याशी प्योर प्योर जीत हुई, ईमानदारी है, जनता की सेवा गणी करी, सेवा में कोई कसर कौन से नेता भी आगे। राहुल गांधी की सत्ता तो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन क्या वो सत्ता से दूर है? राहुल गांधी सत्ता से दूर है इसीलिए उसकी बस नहीं चलता, नहीं तो राहुल गांधी तो बहुत अच्छा काम करते थे, वो गरीबों के आदमी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सती खान है, आपने देखना शुरू किया है एसकेजे टीवी। इस वक्त मैं खींवसर के अंदर हूँ और खींवसर के अंदर है जो यहाँ पे डॉक्टर रतन चौधरी जो कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाई है, तो है जो उनके कार्यालय का आज उद्घाटन है, तो लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, तो लोग है जो क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या कुछ मूड है अब की बात, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे है जो कुछ बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हमें दिख रहे हैं कांग्रेस के कार्यालय में, युवा भी कांग्रेस के साथ है, तो वहां से जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों का मूड है जो आखिर क्या कुछ है। नाम कौन है आप? मारो नाम मनीराम है सर। मनीराम जी, क्या लगता है अब की बार माहौल किसके पक्ष में? अब की बार माने तो प्योर कांग्रेस को पक्ष लगे सर। क्या और कांग्रेस का पक्ष लगे सर? कांग्रेस ने जो प्रत्याशी बनाई है डॉक्टर रतन चौधरी को, जो कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है, क्या उन भरोसे पर खरा उतर पाएगी डॉक्टर रतन चौधरी? डॉक्टर रतन चौधरी पढ़ी लिखी है और आज वो आज तक डॉक्टर आई थी तो वो भी गरीबों की सेवा की थी। हाँ। और जो भी वादा करेगी वो खरा करेगी, खरी उतर पाएगी, क्योंकि इनके घर में राजनीतिक छह टू छह सात पीढ़ी सो पहले इनके सुसरे भी पूर्व महाराम चौधरी एमएलए रह चुके थे, तो उन्होंने भी शिक्षा और उस टाइम पानी का बहुत किल्लत थी पानी की, तो जनरेटर लगा लगा के पेड़ों पे और उन्होंने पानी की सप्लाई की थी, तो दुनिया के बहुत ही मेहनत से काम किया आगे भी, तो ये परिवार कड़ी मेहनत करके आगे निकलने वाला है। कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा से आए हुए है ये है तो इन पे भरोसा नहीं करते। नहीं, ये भाजपा वाली कोई पार्टी नहीं, जनता है, कोई भी कह सकता है, लेकिन थोड़े बहुत ज्योति ने चूक करके सुवई जी को 5 दिन के लिए भाजपा में जरूर लेगा, लेकिन वो गलती से उसने चुका दिया था ज्योति मिर्जा ने। ज्योति मिर्जा कांग्रेस में थी, उनका क्रेज अच्छा था, फिर वो क्यों बदल गई, क्या लगता है? क्या पता किस कारण से पलटी उसको, उनके साथ बीजेपी में उसका पहुंच ज्यादा होगा उधर, इसीलिए जा सके वो, कौन कह सकता उसकी ऊंचाई उनकी पता। आप कांग्रेस के प्रत्याशी रतन चौधरी हैं जो डॉक्टर, उनकी जीत की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कितने वोटों से वो जीत हासिल कर सकते? जैसे लगता है लाख पार करने वाली लगती है रतन चौधरी, लाख वोटों से बार बार लेगी। हनुमान बेनीवाल का है जनता में, उनका भी बहुत ज्यादा क्रेज है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ जरूर, हनुमान बेनीवाल का क्रेज है, लेकिन वो 15 साल एमएलए रह चुके तो दुनिया का भावना बढ़ गई कि अब की बार रतन चौधरी को मौका दो, ये कैसा काम करे। वे लगातार जीतते आ रहे हैं, सांसद भी बन चुके हैं 2 बार यहाँ से, तो क्या लगता है उनका दबदबा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है? जी वो गठबंधन से सांसद बन गए थे। हाँ। लेकिन अब की बार गठबंधन नहीं है और दुनिया ने ये चाह उनसे किया कि रतन चौधरी कितनी ज्यादा सेवा करे, इसीलिए वो लोगों ने अपना मूड बदल लिया। लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्ग अभी भी कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल कांग्रेस साथ है, कांग्रेस साथ ही रह गई, गरीबों की पार्टी है, पेंशन जो भी पेंशन चालू करी कांग्रेस ने चली, किट बांटिया गाँव का अनुदान है तो वो कांग्रेस ने किया, हॉस्पिटल में भर्ती मतलब दवाइयां जो भी कांग्रेस ने फ्री की हुई, तो कांग्रेस का गुण तो किसान कभी नहीं भूलेगा, गरीब लोग नहीं भूलेंगे। हाँ। ये बात है सर। क्या आपको अच्छा ही लगती है कांग्रेस में लगातार यहाँ से, लेकिन अब पहले जीती थी अब जीत नहीं पा रही है कांग्रेस? नहीं नहीं नहीं, बीच में क्या कांग्रेस नेताओं ने टिकट ऐसे वैसे कर दिया इसलिए नहीं जीत रही है, जीत रही थी, लेकिन अच्छा कैबिनेट अब जैसे पहले शोहेब सिंह चौधरी खुद ने उतरा तो 67,000 पार किया, कम नहीं लिया, बहुत लिया है, एकदम 7,000 67,000 पे लेके आए थे, तो बोलो कितना कांग्रेस को आगे बधाई। और जैसे अब की रतन चौधरी है तो आप देखना लाख पार करेगी। मिर्दा जी है वो भी लगातार 4 बार एमएलए रहे फिर वो चले गए, क्यों खिसकते हैं कांग्रेस से, लोग खिसक क्यों रहे? क्या पता वो आगे की राजनीतिक है, वो आगे के आपस में नेता नहीं मारा इधर के नहीं है, वो आगे की राजनीतिक है, इसीलिए मिर्दा के दिमाग में नहीं आई तो मिर्दा कांग्रेस छोड़ दी, वो तो आगे की राजनीतिक है, यहाँ पब्लिक की राजनीतिक नहीं है, वो पब्लिक चाहती है कांग्रेस आओ। क्यों आओ? क्या आज बुखार चढ़े जो भर्ती सब ना भर्ती होती 5 लाख रुपया बिना इलाज को नहीं होती, गवर्नमेंट फ्री इलाज दियो है,
तो दुनिया इस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए चले। आप रुकी मुंडे आपको प्यूर आया रतन चौधरी। क्या वो रतन चौधरी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये क्यों कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ अच्छा ही लगी? जनता ने बढ़िया लागी, जनता मांग रही कि रतन चौधरी उतारो जी, आधार रतन चौधरी उतारिये। रतन चौधरी आप लोग कड़ाक लागे चोखा रतन चौधरी जी प्रत्याशी। प्यूर प्यूर जीत हुई, ईमानदारी है, जनता की सेवा घनी करी, सेवा में कोई कसर कौन छोड़े। अगर ये अगर आज वहां तक सेवा कर तो आयो है, इसको सेवा का नॉलेज है, गरीबों के साथ खड़ा है, आज वो आज समस्या में खड़ा रहा। शरीर जाओ रो वचन नीचे, शरीर जाओ वचन नीचे, वचन ये आता खड़ा। आप ही नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस गरीबों की मसीहा है, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। ऐसा क्या करती है कांग्रेस गरीबों की? सोचा सतीश गोम ने हाथ ले दे, सतीश गोम ने कांग्रेस पार्टी हाथ ले दे बिन भाव को नहीं। बात है, आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हैं? वो राहुल गांधी अब बड़े नेता है कांग्रेस के, प्रतिपक्ष के नेता भी। राहुल गांधी की सत्ता तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन क्या वो सत्ता से दूर है? राहुल गांधी सत्ता से दूर है इसीलिए उसकी बस नहीं चलता, नहीं तो राहुल गांधी तो बहुत अच्छा काम करते थे। वो गरीबों के आदमी है, वो गरीबों की पार्टी है, बढ़िया। लेकिन क्या है उनकी सत्ता? युवा क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं सर आप? इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने हर फील्ड में काम किया है, बहुत बढ़ चढ़ के कांग्रेस ने हर फील्ड में बहुत अच्छा अच्छा कार्य किया है, और मैं हम लोग युवाओं की धड़कन है कांग्रेस। कांग्रेस कई लोग कह रहे हैं कि खींवसर में युवा है जो हनुमान बेनीवाल के साथ ज्यादा है। अब वो है ना, एक वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही मॉल बना रहे हैं और बच्चों को है ना जो अपने भविष्य से बड़ा बिछेड़ रहे हैं, युवा बच्चों को वो अपने लक्ष्य से दूर कर रहे हैं, वो इधर उधर। कांग्रेस को लेकर आप क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस है अब है जो सत्ता में नहीं है, चूक गई है, क्या सोचते हैं कांग्रेस को लेकर? आपकी सोच क्या है कांग्रेस को लेकर? हमारी सोच यही है कि वो हमने देखा है, हम मुख्यमंत्री साहब को देखा है, वो रहे थे तब हमने उनको देखा है, उनका कार्य बहुत अच्छा रहा। आप आए सर कांग्रेस कार्यालय उद्घाटन है, कैसा लग रहा है, किस प्रकार से आप कांग्रेस को चाहते हैं या आए हैं? आरएलपी के साथ हैं हम तो। आप आरएलपी के साथ हैं? हाँ, हनुमान जी के साथ। तो आप यूँ यहाँ आए? हम तो ऐसे आगे देखने के लिए, क्या माहौल है क्या नहीं है, सबका जाना सबको चाहिए। क्या लगता है, अभी बुजुर्ग बात कर रहे थे कि डॉक्टर रतन चौधरी है ये भारी मतों से निकलेगी? नहीं, इनका कोई वजूद नहीं है, जमान जब्त होगी कांग्रेस के क्यों सर के अंदर। क्या बात कर रहे हैं आप यार? बिल्कुल होगा यही, जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो क्यों सर विधानसभा का नहीं है, बिल्कुल सब नागौर विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं, यहाँ कोई नहीं है क्यों सर का वोटर, कोई नहीं है, जमान जब्त है कांग्रेस के। क्या लगता है इतने सारे लोग हैं ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, गरीबों की मसीहा है कांग्रेस, लेकिन आप बात ये कर रहे हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, नहीं कांग्रेस ने किया, नहीं बीजेपी ने किया, एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल है जो हर टाइम किसानों सबका मुद्दा। और लोग हैं साथी, आपका क्या नाम है बाबा जी? हेलो, क्या नाम है बाबा जी? सारा मांगलाल। क्या लगता है अब की बार लोग क्या चाहते हैं कांग्रेस को लेकर? क्या ठीक है, अच्छा है। आपका क्या नाम है सर? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह जी बताइए, कैसा माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है? माहौल मतलब कांग्रेस का बहुत तकड़ा है अभी, बहुत तकड़ा माहौल है कांग्रेस। कांग्रेस क्या बात कर रहे हैं सर आप? बहुत तकड़ा माहौल है कांग्रेस का, कांग्रेस का यहाँ खींवसर के अंदर। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा उमेश सिंह। उमेश सिंह जी ऐसा बताते हैं कि कांग्रेस का बहुत तकड़ा माहौल है, लेकिन हम कई गांव में गए वहाँ पे तो कांग्रेस की बात कम हुई है, ऐसा क्यों? देखो कई जगह कम है, कई तेज है, ऐसे तेज बिल्कुल। ये अचानक है जो ये कांग्रेस का ग्राफ क्यों बढ़ गया, क्या लग रहा है? देखो जनता का माहौल है, इस माहौल जनता का मूड है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल है जो अचानक यहाँ चेंज हो गया है, उनका ग्राफ है जो लगातार ऊपर हाई हुआ है। क्या लगता है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान लामरोड। हनुमान, हनुमान जी क्या लगता है, आपने कांग्रेस का दुपट्टा है जो पहना है तो कांग्रेस का माहौल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिस दिन से टिकट मिला है उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेस का माहौल रेगुलर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ये बुजुर्ग है साथी, हमें मिले थे अभी, ये कह रहे थे कि कांग्रेस गरीबों की मसीहा है, गरीबों की पार्टी है कांग्रेस, क्या युवा क्या सोचते हैं इस बात को लेकर? कांग्रेस युवा किसान और गरीब की पार्टी है, आप देख लो गरीबों के लिए कांग्रेस ने राशन के किट बांटे, चाहे कोरोना काल देख लो कांग्रेस ने सारे काम गरीबों के लिए किए, किसानों के लिए कांग्रेस काम कर रही है, और जवानों के लिए बीजेपी अग्निवीर लाके अपने फौजी हमदे रद्द करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस किसान जवान की पार्टी है।
लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल है वो सबको सतीश कौम को साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसे में उनका क्रेज है जो लगातार बढ़ रहा है, आपको लगता है? हनुमान जी आपके जगह अपनी काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ कांग्रेस अभी मजबूत है क्यों सर? मैं अब की बात क्या आपको लगता है कि ये सीट हनुमान बेनीवाल जी की रही है, उन्होंने ये काफी बार है जो जीत भी चुके, अब की बार बदलाव होगा? बिल्कुल 100% बदलाव होगा। पहली भी सवाई सिंह जी हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ सबसे ज्यादा वोट लेने वाले पहले प्रत्याशी सवाई सिंह जी थे और इस बार और लोग जुड़ रहे हैं और इस बार सवाई सिंह जी रतन चौधरी जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा से आए हुए नेता हैं, साठ गांठ हैं, आप इन पे भरोसा मत करो, तो इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो रेवंत राम डांगा हरेल भी था, वो है साठ गांठ असली, ये तो पहले ही कांग्रेस के थे, बीजेपी वालों ने ज्योति जी मिर्धा ने इनको साथ ले जाकर ज्वाइन करा के इनके साथ धोखा किया है, तो फिर ये पहले से कांग्रेस के थे, आगे ही कांग्रेस के रहेंगे और कांग्रेस यहाँ से मार्जिन के साथ जीतने जा रही है। धन्यवाद दोस्तों। लोग हैं जो ये हम इस वक्त खींवसर के अंदर हैं, तो खींवसर के अंदर लोग ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ है जो अचानक बढ़ा है और कांग्रेस है जो काफी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस यहाँ पे ये सीट है जो निकाल रही है। इन बुजुर्गों से हम तमाम लोगों से बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट SKJ TV खींवसर नागौर।